नमस्ते, मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ आपके फेवरेट शो जिसका नाम है सवाल ज़िंदगी के लाइव। फ्रेंड्स, इस लाइव शो में आप डायरेक्टली कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से अपने लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछ सकते हैं और जान सकते हैं उनके आंसर्स। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अपने सवालों को शेयर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं ग्लोबल एक्सपर्ट मिसेस सूजी सिंह, जो कि एक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग थेरेपिस्ट हैं, ग्रीफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल ऑथर और साथ ही साथ कर्मा स्कॉलर भी हैं। सो लेट्स टुगेदर वेलकम मिसेस सूजी सिंह। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू द शो। हाय शिल्पा। मैम, कई बार हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार पाते हैं। और सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी जो केवल सिर्फ एक पर्सन का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट मिल सकता है। सो सबसे पहले सुशांत जानना चाहेंगे कि उनकी जब फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशंस होते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स पे बहुत उन्हें गुस्सा आ जाता है, और इसी तरीके के सवाल हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स ने शेयर किए, तो क्या आप एंगर मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगी? तो गुस्सा जो है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिसर्च के हिसाब से जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, उसे एक्ट आउट करते हैं गुस्से को, तो सामने वाले को हर्ट होता है, वो तो हम सब जानते हैं, पर हमें क्या हानि होती है? वो गुस्सा हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल क्रिएट करता है जो 3 दिन तक हमारे सिस्टम में फ्लो करती रहती है। मतलब एक बारी गुस्सा किया और 3 दिन तक उसका स्ट्रेस इफेक्ट हमारी बॉडी में रहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन माय ओन बॉडी। दूसरी बात, जब हम उस सिचुएशन में हैं और हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करें? उसके लिए इमीडिएटली अपने आप को कोई बहाना बना के एक्सक्यूज कर लें, अपने आप को वहां से उठ के चले जाएं। मान लो फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कोई बात हुई और आपने एकदम कहा कि अच्छा मैं वॉशरूम होके आता हूं। अब वॉशरूम जाइएगा और वहां पे हमें क्या करना है, अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। आप देखेंगे जब गुस्सा चढ़ता है तो हमारा ब्रेथ बहुत शैलो हो जाता है। उस ब्रीदिंग को हमें डीप ब्रेथ लेना है, उसे बहुत डीप करना है और 3-4-5 बारी उसे ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करना है। क्योंकि गुस्सा जो है वो एक फायरी एनर्जी है, वो ऊपर जब उठती है उसे ब्रेथ के साथ हमें एक्सपेल करते चले जाना है। और अगर हम उस थॉट के साथ, जो भी थॉट हमारे माइंड में उस गुस्से के साथ अराइज हुआ है कि ये मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई थॉट होगा, उस थॉट से जुड़िए मत, सिर्फ अटेंशन अपनी उस एंगर पे रहिएगा। आप देखेंगे एक नेचुरल एस्केलेशन होती है, एंगर बढ़ता है, आप ब्रीथ करते रहे और ऐसे मुड़ के 2-3-4-5 सेकंड के बाद वो अपने आप नॉर्मल ड्रॉप होगा अगर हम उस थॉट से जुड़ते नहीं हैं, और वो शांत हो जाएगा। फिर अपना मस्त मुंह धोइए वॉशरूम से और बाहर निकल के आके फिर से फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर लीजिएगा। इसमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें किन बातों पे गुस्सा आता है। ये बात की बात है, क्योंकि एक कोई हमारा रेकरिंग पैटर्न होगा, जैसे आपने कहा कि डिसएग्रीमेंट्स, जब कोई मेरी बात नहीं मानता है तब मुझे गुस्सा आता है। अगर हम पैटर्न समझ लेंगे तो जैसे फ्यूचर में वो पैटर्न सामने आने लगेगा, हम पहले ही सावधान होंगे और गुस्से में आने से अपने आप को रोक सकते हैं। पर ये प्रैक्टिस ओवर टाइम डेवलप होती है, ओवरनाइट नहीं होती है, बिकॉज नॉर्मली हम बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसलिए वॉच करते जाएं और जो मैंने सुझाव दिए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड धीरे धीरे आपका मास्टरी ओवर एंगर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सुशांत ये सवाल पूछने के लिए, और इस सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे हमारे दर्शकों को हेल्प मिलेगी। हमारे साथ लाइव थोड़ी देर में कॉल कनेक्ट होगा, तब तक के लिए हम एक और सवाल ले लेते हैं। एक युवा कहना चाह रही हैं कि वो लखनऊ से हैं और उनकी शादी लगभग 21 की उम्र में हो गई थी, और अभी उन्हें लगता है एट द एज ऑफ 26 कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, और इस वजह से वो अपना करियर और फैमिली दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रही हैं।
और फैमिली को, क्योंकि वो अभी प्रायोरिटी देती है, लेकिन क्या अब आने वाले इयर्स में वो फिर से अपने करियर को प्रायोरिटाइज करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगी? तो ये सवाल जो है ये लाइफ स्टेजेस से जुड़ा हुआ है कि आपकी शादी हो गई 21 साल में, अब 26 साल में हमें नहीं पता कि आपकी कोई बच्चे हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं क्योंकि आप मैरिड हैं, हो सकता है इन लॉज हों, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबको लुक आफ्टर करना है, खाना पकाना है, करियर भी है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में जो 20 to 30 है, ये स्टेज आपका है फैमिली को अटेंशन देने का। अगर साइमल्टेनियसली आपका करियर भी है और आप दोनों को बैलेंस कर पा रही हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो आप फैमिली को तो निग्लेक्ट नहीं कर सकती है ना, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन है, आपने शादी की है, इतने सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो आपको एक गुड फैमिली मेम्बर बनना है। इस समय बच्चे हैं अगर आपके छोटे से, तो उनको भी अटेंशन देनी पड़ेगी जब तक बच्चे कम से कम 3 साल के हो जाएं। तो एक बारी आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाए, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, जो घर में डिसिप्लिन है, जो एक नियम है सारे, और जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं फैमिली में, रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स होते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको जो भी निभाना पड़ता है, खाना पकाना, देखना, सबको पूछना, वो एक बारी एक सिस्टमैटिक वे में सेटल हो जाएगा, उसके बाद आप करियर पे ध्यान दे सकती हैं, जो आपका रिटर्न टू करियर वाला फेज आएगा। पर अभी मैं ये सुजेस्ट करूंगी कि आप पूरी तरह से, अगर दोनों में से आपको एक चुनना ही है, तो आप फैमिली को चुने। थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, मैं नाम जान सकती हूँ आपका? जी, मेरा नाम पीयूष है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। जी, मुझे अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें जाननी थी। एक्चुअली मुझे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, बट दोस्तों को कुछ और करते देखता हूँ तो लगता है वो भी कर लूँ, घर वाले चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होने लगा है इस चीज़ को लेकर। ओके पीयूष, तो पीयूष ये सवाल जो है, बहुत सारे युवा लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि या तो हम पे दबाव आ जाता है अपनी फैमिली का, सब बोलेंगे कि आप MBA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर हमारे पे दबाव आ जाता है हमारे सोशल ग्रुप्स का, जो हमारा कोहोर्ट होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, और हमें लगता है कि अगर वो कर रहे हैं और हम भी सेम करियर परस्यू करेंगे तो हम दोस्तों के साथ हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और उनके साथ हम आगे चल सकेंगे, तो करियर आसान हो जाएगा। पर दोनों ही रीज़न हमारे गलत हैं किसी भी करियर को पकड़ने के लिए। हमें जो देखना है कि हमारा स्वधर्म क्या है। स्वधर्म का मतलब नेचुरल मेरे टैलेंट्स क्या हैं, मेरी इंक्लिनेशन क्या है, मेरी रुचि किस चीज़ में है। क्योंकि अगर आप कोई भी करियर ऐसा पकड़ते हैं जिसमें आपकी नेचुरल रुचि नहीं है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जॉब आपके लिए एक बोझ बन जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा काम में, और फिर स्ट्रेस बढ़ने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आप 3, 4, 5 साल वो काम करने के बाद एक करियर चेंज के बारे में सोचने लग जाएंगे कि मैंने तो गलत इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया, मुझे तो कुछ और ही करना चाहिए था। तो ये समय है कि आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करें, गहराई से सोचें कि बचपन में मुझे कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, या आज भी मैं ऐसा क्या काम करता हूँ जिसमें समय एक तरह से रुक जाता है, और उन चीज़ों को, मेरे नेचुरल टैलेंट्स को लेके मैं कैसे अपने फ्यूचर में बना सकता हूँ। तो मान लीजिएगा कि आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि आप एक ट्रैवल एजेंसी चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। तो जो भी आपकी रुचि हो, आज तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और सिर्फ अपने स्वधर्म के बेसिस पे अपने करियर को चूज करें। थैंक यू मैम। पीयूष, आई होप कि इस आंसर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
मैम, इसी आंसर पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या हमें अगर क्लैरिटी 30s में मिलती है, जहाँ पे हम ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड करियर में हैं, और उसके बाद हमें लगता है, जैसा आपने कहा कि स्वधर्म अगर बाद में समझ आए तो क्या करना चाहिए, क्या एक सेकेंड करियर या थर्ड करियर पॉसिबल है 30s की उम्र में? करियर शिफ्ट आप वैसे किसी भी उम्र में कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है आपके, कि अगर आपके बच्चे हैं, आप फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले पाते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर मेरा सुजेशन ये है कि आप ओवरलैप कर लें, कि अगर आपका कोई करियर शिफ्ट आ रहा है तो पहले अपनी जॉब रखें जिस फील्ड में है, और साथ ही साथ आप अपने फ्री टाइम में, लेट इवनिंग्स में या वीकेंड्स पे अपना दूसरा करियर एक इनिशिएटिव शुरू कर लें, और 6-8-10 महीने के बाद जब वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलने लग जाए, तब आप अपनी जॉब छोड़ के और ट्रांजिशन कर सकते हैं पुराने करियर से नए करियर में। वंडरफुल। सो पैरेलली एक बार हम एक बेस बना सकते हैं और बाद में ट्रांजिट हो सकते हैं। जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए हम लेंगे। फिर से हमारे साथ फेसबुक पे ये क्वेश्चन आया था। मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ में मेरी पॉकेट मनी के लिए मैं खुद से पार्ट टाइम जॉब करके मनी अरेंज करूं, और इसीलिए मैं कई बार पार्ट टाइम वर्क करके मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप से अपना खर्चा चलाऊं। क्या ये मेरा डिसीजन सही है, और क्या मुझे बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने अभी अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय नहीं किया, और फैमिली की हेल्प करने के लिए मैं ऐसा अगर सोच रहा हूँ तो क्या ये आपको, आप कैसे इसे देखते हैं? तो ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में ये उठता है जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉलेज में बने दोस्त, स्कूल और कॉलेज में बने आपके दोस्त, ये जीवन भर आपकी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। आगे जाके जब हम कोशिश करते हैं, जब हम जॉब्स में आ जाते हैं, शादी हो जाती है, न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो अक्सर स्कूल कॉलेज वाले दोस्त ही बड़े लंबी दौर तक हमारे साथ वो चलते हैं, और जितनी हमारी रिसर्च स्टडीज़ हैं वो सारी इंडिकेट करती हैं कि जीवन का सबसे अमूल्य जो चीज़ है वो रिश्ते हैं। अगर हमारे पास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सपोर्ट सिस्टम हमारा है, तो हमारी रिजिलियंस बढ़ जाती है, मतलब दुखों से उभरना वो कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मोर इजीली ओवरकम करेंगे उन चैलेंजेस को, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं। अगर आपने रिश्तों पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आपने टाइम ही नहीं दिया, और आप सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते रहे, तो फिर पैसा आपको तो सुखी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत कमाया है पर वो बहुत अकेले हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो पैसे से वो जो कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम नहीं खरीद सकते, हाँ वो जाके क्लब में ड्रिंक कर सकते हैं, वो लोगों को डिनर पे बुला सकते हैं, उनका बिल पे कर सकते हैं, पर सच्चे दोस्त उनको नहीं मिलते हैं। इससे ज़रूरी है कि आप पहले अपनी फ्रेंडशिप्स बनाएं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें, और पैसे कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है आपकी। बिल्कुल, सच ए वैल्यूबल एडवाइस। कई बार रिग्रेट रहता है कि क्या आने वाले इयर्स में ऐसा हो सकता है कि मैं अभी जो फैसले ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मैं रिग्रेट ना करूँ। सो थैंक यू सो मच। तो आप हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। हेलो। हेलो, वेलकम टू द शो। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नेहा है। नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हूँ? जी जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सपोज हम किसी पैटर्न को अगर हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो उस पैटर्न को हमें, मुझे वो समझ में आ गया कि एक पैटर्न है, उसको मुझे ब्रेक कैसे करना है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को ध्यान करते हुए 6 months हो गए हैं, बट उसके बाद भी 1 घंटा मैं मॉर्निंग में ही ध्यान करती हूँ 5 to 6, और मैं लगातार मास्टर बनो 4 में थी, 5 में थी, अब JTT में भी हूँ, लेकिन थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं। मतलब बहुत माइंड इधर उधर होता है, मतलब बार बार थॉट्स आते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बार बार आते हैं, तो जैसे JTTP में चल रहा है वो जो कहते हैं, तो जैसे एक वो वाली चीज नहीं आ पा रही है।
फीलिंग नहीं आ रही है वो वाली कि सेम हमारे साथ ही प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैम बताती रहती है ना कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, मास्टर्स आ गए हैं, ये हो रहा है जी, वो नहीं हो रहा है जी। तो पहले समझेगा, हम आपके मेडिटेशन का प्रश्न लेते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो तो हमारे थॉट्स बढ़ जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करते रहें और धीमे धीरे 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 बिल्कुल थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। थॉट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जितने हम इन्वॉल्व्ड रहते हैं जीवन में उतनी हमारी थॉट्स बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि एक दिन हमारा माइंड काफ़ी काम हो और दूसरे दिन हमारी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई है और हमारे अंदर बहुत सारे भाव उठ रहे हैं, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी थॉट्स बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। और उस दिन जब आप मेडिटेट करेंगी तो आप घंटा भी बैठती हैं तो मन जो है वो विचलित रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम गिव अप ना करें। जो भी समय आपने सेट किया है, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, एक घंटा हो, जो भी समय सेट किया है वो पूरा समय आपको बैठना है। इसमें क्या होता है कि मास्टरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जो ईगो माइंड है वो समझ लेता है कि ये मैं कितनी भी थॉट्स क्रिएट कर दूं ये तो मानने वाले नहीं हैं। तो आप नियम बना के रखें, नियम को टूटने ना दें। और जिस तरह किसी दिन खाना स्वाद बनता है और किसी दिन इतना टेस्टी नहीं होता है, उसी तरह ध्यान किसी दिन बहुत अच्छा होता है और किसी दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में इसको ट्रीट करती हूँ, ध्यान को मैं प्रसाद की तरह ट्रीट करती हूँ। अगर प्रसाद आज मीठा है तो बहुत उसका शुक्राना, अगर प्रसाद आज फीका है थोड़ा सा तब भी शुक्राना कि मैं कर पाई। तो इस एटीट्यूड से आप अपने ध्यान को कंटिन्यूड रखें। आप जब 8 साल तक रेगुलर ध्यान करती रहेंगी ना तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो हमें तो जीवन भर करना है। इसमें मत देखिएगा कि ध्यान आज अच्छा था या बुरा था, मैंने ध्यान किया ये बहुत ग्रेस है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अपने आप को शाबाशी इसी बात की दीजिएगा, मैं ध्यान में बैठी, मेरा नियम टूटा नहीं। तो ये आपका जो ध्यान से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब दूसरा सवाल आपने पूछा है कि मैं पैटर्न कैसे ब्रेक करूं। क्या आपने पैटर्न अपना क्लियरली पहचान लिया है, बताइए। हाँ, हाँ। तो पैटर्न क्या है शेयर कर सकते हैं आप? अगर वो पैटर्न आप शेयर नहीं करना चाहते वो भी ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि पैटर्न जो होता है उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि मैं ये यहाँ पे गलती कर रही हूँ, या यहाँ पे आके मेरी जो है या तो मैं टेम्प्ट हो जाती हूँ, मैं इजीली गिव अप कर देती हूँ, या मुझे गुस्सा आ जाता है, या मुझे किसी को गलत बनाने की इच्छा होती है। जो भी मेरा पैटर्न है, जो भी मैं एरर कर रही हूँ, जो मुझसे एक हार्मफुल बिहेवियर पैटर्न है, उसको मुझे अवेयरनेस लाकर, चेतन होकर उसको मुझे अवॉइड करना है। जितना अपनी नेगेटिव बिहेवियर को हम कम करेंगे, मतलब उसको एक्ट आउट नहीं करेंगे, उतनी वो नेगेटिव बिहेवियर डिसॉल्व होती चली जाती है। जितनी बारी हम उस पैटर्न को परमिशन देते हैं और रिपीट करते हैं उतना वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो पैटर्न को स्टार्व करें, जिसे हम कहते हैं कि उस पैटर्न का व्रत रखें। रोज अपना एक संकल्प लें, आज मुझे ये पैटर्न तोड़ना है, और दिन भर आप उस अवेयरनेस में रहिए। जब भी वो पैटर्न इमर्ज होता है उसे तोड़िए, धीरे 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 वो पैटर्न जो है वो डाइल्यूट होने लगेगा और आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू मैम। मैम, इसी जवाब से एक सवाल है कि पैटर्न और हैबिट में क्या डिफरेंस है, क्यों, या आप कहेंगे कि दोनों एक हैं? बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बिकॉज पैटर्न जो होता है एक हैबिचुअल बिहेवियर होती है। ओके तो हैबिट जो होती है वो हो सकता है कि मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हूँ, इसमें बिहेवियर सिर्फ इतनी इन्वॉल्व है कि मैं क्या पी रही हूँ। पर बिहेवियरल पैटर्न होता है जब रिश्तों में मैं इंटरेक्ट करती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे अंदर का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन
जो लीड करता है एक एक्शन को, और वो एक्शन बन जाता है हमारा रेकरिंग बिहेवियर। ये हुआ हमारा जो रेकरिंग पैटर्न। तो हमें इंटेंशन तक पहुंचना है, मैं क्यों करती हूँ ऐसे, और मेरा एक्शन कौन सा होता है जो हार्मफुल एक्शन होता है। ये जब हम समझ लेंगे तीनों चीज़ें, तो हम अपने बिहेवियर को ऑल्टर कर पाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू मैम। तो अब एक सवाल लेते हैं, अगेन इंस्टाग्राम पे हमारे पास ये सवाल आया था। ये सवाल है एक युवा का जो मुंबई से, उन्होंने लिखा है कि वो वर्क और फैमिली लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है और ट्रैवल में बहुत टाइम चला जाता है, और बिज़ी लाइफ के कारण वो अपनी फिटनेस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं या एक रूटीन नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल में एक चेंज ला पाएं फिटनेस की तरफ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? और ये सिर्फ मुंबई से नहीं, जितने मेट्रो सिटीज़ में हमारे व्यूअर्स हैं, कई बार उन्होंने बताया है कि फिटनेस को अपने रूटीन का पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उस पर हेल्प कर पाए। तो अगर हमें अलग से समय नहीं मिल पा रहा है अपनी एक्सरसाइज रूटीन बनाने का, तो हम जो डेली काम करते हैं ना, उसी में हमें अपने एक्सरसाइजेस कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिफ्ट ना लें, आप हमेशा सीढ़ियाँ लें। तो अगर आपको, मैं कहती हूँ, 10th फ्लोर में भी पहुँचना है क्योंकि आप मुंबई से हैं, तो आप 10 फ्लोर सुबह अगर आपने चढ़ लिए तो आपके दिन की काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। इसी तरह अगर हम जैसे किचन में काम कर रहे हैं, कोई बर्तन नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, तो हम वहीं पे अपने स्क्वाट्स कर सकते हैं, स्टैंड अप सिट डाउन। कोई घर की सफाई करनी है तो हमें आलसी नहीं होना है। अगर 4 बारी एक बर्तन उठा के हम किचन तक रख के आते हैं, तो हमें ये अपने माइंड को बोलना है कि देखो इसमें मेरी बॉडी को एक्सरसाइज मिल रही है, क्योंकि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। ये बात हम सब जानते हैं कि जितना हम बैठेंगे तो उतनी हमारी बॉडी को डैमेज होता है। ऑफिस में भी ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कुर्सी पे बैठ के ही काम करें, क्योंकि काफ़ी जॉब्स ऐसे होते हैं जो सिटिंग जॉब्स होते हैं। बार बार उठ के हम जाके एक ग्लास पानी पी लिया, या जाके किसी कॉलीग से बात कर ली, नहीं तो हम इंटरकॉम उठा के बात कर लेंगे, फ़ोन पे टेक्स्ट कर लेंगे, वो नहीं करना है। बहाने ढूंढने हैं हमें कि हम वर्क एंड एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली कर सकें। और लंच आवर तो हमें मिलता ही है, लंच आवर में अगर हम थोड़ा सा अपनी, मान लो आप सेकंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रही हैं, नीचे निकल के आप 10 मिनट वॉक ही कर लें। तो कई बारी क्या होता है, हम अपने मन को कहते हैं कि आधा घंटा मुझे नहीं मिल रहा, आधा घंटा मिल रहा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप 5 मिनट भी ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर लेती हैं, या स्किपिंग रोक सामने रखिएगा, स्किपिंग कर लेती हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, और इसमें सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक फिटनेस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स भी आपने शेयर की। तो अब हमारे साथ लाइव कॉलर है। हेलो, हेलो, राधे राधे दी जी। राधे राधे, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ अभी। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम दिव्या है और यूपी कानपुर से बात कर रही हूँ जी। दिव्या जी, अपना सवाल बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी भी काम करते हैं, तो जैसे हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम उनको पाने के लिए खड़े नहीं उतर पाते। जैसे मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन मेरा कभी मन लगता ही नहीं है, मतलब मेरा माइंड पूरा घूमने लगता है पूरे। और इसके अलावा जैसे मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ तो 2 या 3 दिन चलता है, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाती जी। तो दिव्या जी, कई बारी क्या होता है कि हम अपनी ड्रीम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हम शुरू तो कर लेते हैं पहले दिन एक्साइटेड होके, पर हमें लगता है कि ये तो हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ड्रीम्स को स्केलेबल कीजिएगा। स्केलेबल का मतलब कि उनको उतना ही बनाइए जितना आज मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर बनता है। छोटी छोटी एफर्ट्स कीजिएगा, और जितनी एफर्ट आप कर रहे हैं ना, अपने आप को शाबाशी दीजिएगा कि आई अचीव्ड दिस टुडे। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 दिन में आपका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाएगा मेडिटेशन में, तो वो तो बड़े बड़े मास्टर्स का नहीं होता है। तो अपने आप को मोटिवेट करना है आपने, छोटे काम, छोटे गोल्स जिनको हम कहते हैं। और अगर हमारा कोई बड़ा ड्रीम भी है, तो उनको पहले छोटे छोटे हिस्सों में काटो, जिनको हम साइलोज बोलते हैं, छोटे हिस्सों में बांटो,
और रोज़ाना उसको एक हिस्से को आप प्रैक्टिस करें कि आज मुझे 5 मिनट मेडिटेशन में बैठना है, और एक हफ्ते के बाद आप बोलिए अब 5 से मैं 7 मिनट बैठूंगी। ठीक है, बहुत बड़े गोल्स मत लीजिएगा कि मुझे 15 मिनट सीधा ही मुझे 15 मिनट मेडिटेट करना है, वो असंभव हो जाता है बिगनर के लिए। अब आप देखिए, छोटा सा बच्चा होता है, अगर छोटा सा बच्चा पहले नर्सरी ज्वाइन करेगा और वो सोचेगा कि मैं एक साल के अंदर मुझे जूनियर स्कूल से निकल के और सीनियर स्कूल में जाना है, तो वो तो संभव है ही नहीं, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा और जैसे उनको आप अचीव करते हैं, अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, अपने आप को इनकरेजमेंट दीजिएगा और स्थिर रहिए। डिटर्मिनेशन के बिना कार्य पूरे नहीं होते हैं और डिसिप्लिन के बिना कार्य पूरे नहीं होते हैं। तो क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं, क्या आपकी विल पावर है कि नहीं? जितनी बारी आप अपनी विल पावर को प्रैक्टिस करेंगी, मतलब ये काम मुझे करना है तो करना है, उतनी आप देखेंगे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी और आपके काम पूरे होने लगेंगे। इसलिए विल पावर, डिटर्मिनेशन, संकल्प, स्मॉल गोल्स, स्मॉल स्टेप्स टू बिग सक्सेस, ये फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं जल्दी से आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक कॉलर, जैसे आपने बताया कि करियर किसी भी उम्र में स्टार्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसी टिप्स आप बता पाएँ कि इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प मिले, कोई टेक्निक्स जिनसे मैं ये कोर तक पहुँच पाऊँ कि क्या मेरी हॉबीज सिर्फ हॉबीज़ हैं या इसके इसको यूज़ करके मैं करियर बना सकता हूँ, या अगर लोगों को डाउट है, जैसे लास्ट टाइम एक सवाल था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई करना चाह रहा है लेकिन इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, तो अगर ऐसे ड्रास्टिक शिफ्ट होते हैं तो क्या आप बहुत शॉर्टली बता पाएंगे कि कैसे जो लोग देख रहे हैं वो ये कन्फर्म कर पाएँ कि हाँ मुझे लेना चाहिए रिस्क? तो देखो, कभी भी हमें 100% तो इंश्योरेंस या इम्यूनिटी किसी चीज़ में मिलती नहीं है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो हमारी होनी ही चाहिए, पर हमें 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे हमें समझ आती है कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या किस चीज़ में हमारी रुचि है। तो पहले, जैसे मैंने बताया, टैलेंट हमें देखना है, क्या चीज़ में बिल्कुल अच्छी तरह से एक नेचुरल टैलेंट है। कई लोगों का, जैसे हाउसवाइफ्स का, कुकिंग में बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, उनको अच्छा भी लगता है, तो वो, उनको पता है कि मैं कुकिंग से क्या कर सकती हूँ। कुकिंग से वो, अगर टेक्नोलॉजी से मैच करना चाहती हैं तो हो सकता है वो कुकिंग ब्लॉग एक शुरू कर लें, या इंस्टाग्राम पे वो इन्फ्लुएंसर बन जाएं कुकिंग के एरिया में, या हो सकता है कि वो टिफ़िन सप्लाई करने लग जाएं। जैसे डबल इनकम कपल्स होते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उनको घर का खाना खाना है, और वो भी बड़ा आजकल जो बिज़नेस बहुत अच्छा है, एक टेक्नोलॉजी से भी उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। जिस तरह जोमैटो पे ऑर्डर्स आते हैं, वैसे होम कुक्ड ऑर्डर्स आप टेक्नोलॉजी वाया ऐप भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, मेरी रुचि किस चीज़ में है, मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है, क्या मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं दिन भर मेरा निकल जाएगा, मैं खुश रहूँगी। ये करेंगे तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्सेज अपने अंदर से मिलेंगे कि दिस इज़ गुड फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे टिप्स ऐसे थे जो सारी एज ग्रुप्स के लोगों की ज़िंदगी में डेफिनेटली बदलाव लाएंगे। थैंक यू हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए आपके आंसर्स के थ्रू। थैंक यू व्यूअर्स हमारे शो पे लाइव कॉल करने के लिए, और सोशल मीडिया पे भी अगर आप अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करें, और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को भी वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं और शो में आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 6:30 लाइव, तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।